हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं मेरे साथ, और उम्मीद रखती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं ना बहुत टाइम बाद ऊपर से ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने, और मैं नहा धोकर आई थी बाल सुखाने के लिए। मैंने सोचा है ना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि बेन उमरा करके आई ना दोस्त का, वहाँ पर खाना हम लोगों ने दिया है। तो मैं जल्दी से जा रही हूँ, अभी टाइम 8:30 बज रहा है और लेट हो गई हूँ मैं। तो बस मैं जा रही हूँ वहाँ पे। अब बाजी का भी फ़ोन आ चुका है मेरे पास कि आए नहीं अभी तक, तो पता नहीं वहाँ का ब्लॉग मैं ज़्यादा बना पाऊँगी कि नहीं, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस, चलते हैं फटाफट बहन से मिलने के लिए। और कल भी मैं मिल के आई उससे, लेकिन है ना वहाँ पर ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि काम में इतना बिजी थे, और फिर अच्छा नहीं लगता इतने इंसानों में। तो अभी फ़िलहाल मैं बाल सुखा लेती हूँ और कंघा कर लेती हूँ उसके बाद। और जैसे मेरी बहन को उमरा करने गई और मक्का शरीफ का दिन दिखाया अल्लाह पाक ने, और वहाँ की जगह दिखाई, अल्लाह पाक हम सबको वो मुकाम दिखाए, आमीन। और अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल करे। और मैं तो चाहती हूँ सारे मुसलमान भाई बहन बच्चे जो भी हैं सब मक्का शरीफ का मुकाम देखे, कितने वो खुश नसीब है। मैं उससे यही बोलती हूँ, तो बहुत खुश नसीब है, और मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह तू वहाँ का मुकाम देख कर आई है। तो गाइस, दुआ में याद रखा करो, और दुआ कीजिए कि मैं भी जल्दी जल्दी उमरा कर ले जाऊँ, अम्मी को और इनको सबको लेकर जाऊँ। अल्लाह हमें इस लायक बना दे, अल्लाह हमें कामयाब कर दे सबको। तो यहाँ तो सिर्फ इसके शर्ट पे प्रेस कर रहा है, फ़ोन आ गया नानी का, और इतने से बर्तन थे तो चाय वगैरह के मैंने धो दिए थे। तो गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ और बस मैं जा रही हूँ। अब चलना हो तो चल यार, ये हमेशा गुस्से ही दिलाता रहता है, शर्ट पहन लूँ, ये कर लूँ। हाँ अच्छा, तो सोना ईदगाह में आई है, खाना है ना ईदगाह पे रखा है, तो सोना और ये दोनों आ जाएंगे जल्दी से। चलो फटाफट के हैं, और मैं मम्मी के यहाँ आ गई थी, और अब मैं भी जा रही हूँ, और हार वगैरह ले आए, कपड़े ले आए, सब मार्केट का काम भी हो गया। हाँ, हाथ में ये भी टिक्की मेरा। अरे वो नहीं, हाथ में कैसे, ये हाथ में कैसे क्या लेके कैसे लूँगी नहीं खाऊं क्या? फोन लगाना फिर मेरे को। आजा। तो हम शादी में भी आ गए हैं गाइस, और अब मैं आई हूँ कपड़े चेंज करने मम्मी के। क्यों नहीं, अंदर से गेट लग रहा है, खुलने हैं, और अंधेरा अंधेरा हो रहा है बिल्कुल। हाँ लेने दे इसको। तो मैंने कपड़े बदल लिए और अब हम जा रहे हैं अब टीनू और मम्मी के पास। यहाँ के सारे काम फ्री हो चुके हैं, और तोशीब और क्या नाम बाजी की लड़की, दो ही मस्तारा इधर कहाँ है, दो ही, ये देखिए इधर दोनों को, इधर गई, देखो हालत क्या कर रखी है, जीत रैली हो गई है पूरी, नहाओगी नहीं कहीं होना, आ बेचारे के मत कचरे कर वीडियो में। बाल इसलिए नहीं धोए हैं क्योंकि उसके बाल घने बहुत है और सूखते नहीं होती है। हाँ, तो बस अब हम जा रहे हैं, तो बस हम जा रहे हैं अब तीनों के पास। और ये दो ही के दो ही नहीं, मस्ताने में ही लगे रहना तुम, घुमा मत छलना, देखो दोनों को, दोनों इतना जा रहे हैं जल्दी, कुछ भी नहीं रहा, चलो नानी चिल्लाएगी, चलो जाओ फटाफट। तो आ गए दोनों, ये देखिए तो देखिए जीत रैली के बाल हो रहे हैं क्या, और ये ना हमें भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, डायरेक्ट मीनू के पास जाएंगे अब।
गए हैं बोला है। असली नाम क्या है पपिया जी का? शबनम। अच्छा ये खाना बट रहा है। ये यहाँ रेहान को पूरे हार पहनाए जा रहे हैं और ये बेंडी हो गई बिल्कुल पागल। पागल अच्छा लगता है इनको देखो एक बार। हाँ मैं परेशान करो उसको। हार तो फिर भी नहीं लाया। हाँ क्या समझ रही? हाँ क्या समझ रही? इधर समर के पूपों में लगाऊंगी, गुलाब वाला। ओ ले ले। चेतियाँ लगाते हैं इसमें। इसमें लगाते हैं उनको तो। ये इधर भी। ठीक है। वो बना रही है। वो दाल वाला भी ले जाओ। नाले में खेल दिया गंदे पानी में। देखो ये कपड़ा तो सब मेहमान जा चुके हैं और आप देख सकते हो पूरा खाली हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। तो शाम हो चुकी है और खाना बन रहा है यहाँ पे। मैं दाल चावल, दाल तो रखी हुई है सुबह बाफलो की और मैं चावल बना रही हूँ। मम्मी के यहाँ सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ पे अभी किसी को कोई फुर्सत नहीं है। देखिए चावल बन रहा है। और ये देखिए यहाँ दाल बहुत सारी रखी हुई है, दिख रही होगी। और यहाँ जो टीनू लेके आई थी वहाँ का तबरुक है मक्का शरीफ का, तो ये सबको बांटने के लिए खून में रख रखा है अभी माशाल्लाह। बैठ जा कुर्सी। हाँ रहने दो अब, रहने दो अब, अच्छी लग रही हो तो। हाँ हार फूल ही तो करना। फोटो खींच ले। हाँ हार फूल और ले इसको भी ला पर ले। देख ए वो समझ जाती है कि ना मेरा फोटो खींच रहा है। वो छदनी तो उसको तो मतलब अच्छी दाल डाल के खाता है। क्या दे बेटी नू? दे दे। क्या खा रही हो आप? इधर देखो सुना तो गाइस 11 बज चुका है और हम मम्मी के यहाँ से आ चुके हैं। और अब तोशिब और बिट्टू खाना खाएंगे क्योंकि मैं और सोना हम तो खा के आई है, था ही नहीं वहाँ पे, दोस्तों में था। और दिन भर हो गया, शादी में गई,
फिर वहाँ से आके फिर वहाँ के दिन भर भागा दौड़ी, आज तो मार्केट ही मार्केट में, और बाहर ही वहाँ टीन हो गया खाना था वहाँ, तो गया इस पर दिन हो गया। अब बच्चों को खाना गर्म करके दे रही हूँ मैं, देखो नहा के आया ये अभी। वहाँ से दाल बापने मम्मी ने पहले ही पहुँचा दिए थे, और ये गर्म कर रही हूँ मैं। और ये देखिए माशाल्लाह टीनू क्या लेकर आई है वहाँ से, तो ये है वहाँ का तबारुक, और ये तस्वीर, और ये पानी है मक्के शरीफ का। तो माशाल्लाह अल्लाह सबको ये दिन दिखाए। और टीनू मेरे लिए देखो क्या लाई है, और एक क्लिप है। तो गाइस आज की वीडियो का मैं यही एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।